और बिजनेस बहुत बढ़िया लाइन है, अगर बिजनेस करना चाहो तो बहुत पैसे है, नहीं करने वाले की कुछ भी नहीं। नौकरी या बिजनेस, मैं आपसे पूछना चाहूँ क्या बेस्ट है? बिजनेस बेस्ट है सर। कैसे? बिजनेस में सर अपना होता है सब इन्वेस्टमेंट, कोई मस्तमेजी नहीं होती सर, कमाए तो 1 लाख है, नहीं कमाए तो 10,000 भी। इन जैसे युवाओं से आप प्रेरणा लें और कुछ खुद का कुछ ना कुछ स्टार्ट करें, कहीं पे भी आप मुझे देख रहे हैं। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष आज दोबारा प्रस्तुत हुआ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, जो करते हैं एक बैनर देख रहे होंगे आप, होटल गौरव। हाईवे का होटल है, हाईवे के पास कैसे इनकम जनरेट करी जाती है, एक छोटे से गांव के अंदर मैं आज प्रस्तुत हुआ हूँ, या फिर मैं आपको बताना चाहूँ कि एक छोटे से गांव के अंदर मैं आया हुआ हूँ आज। और हाईवे के अंदर जो रेस्टोरेंट होते हैं, आपने देखा भी होगा रेस्टोरेंट होते हैं हाईवे के अंदर, छोटे मोटे ढाबे होते हैं, छोटे मोटे रिसोर्ट होते हैं, उससे कैसे इनकम जनरेट करी जाती है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आज आपसे मिलवाने वाला हूँ उस बंदे के साथ जो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा है, और खुद के गांव में रह के, खुद का गांव है उसका, और खुद के गांव में रह के कैसे एक हाईवे में एक छोटा सा रेस्टोरेंट लगा के कैसे वो इनकम जनरेट कर रहा है। इससे पहले मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इन फ्यूचर भी ऐसे वीडियोस आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। आप कहीं पे भी मुझे देख रहे हैं, दूर दराज के गांव के अंदर, सिटी के अंदर, कस्बे के अंदर, आप मुझे देख के थोड़ा सा इंस्पायर हों, मैं जिनसे आपको मिलवाता हूँ उनको देख के थोड़ा सा इंस्पायर हों, और खुद का छोटा सा इन्वेस्टमेंट लगा के आप अपना रोज़गार कमा सके। मैं मिलवा देता हूँ रेस्टोरेंट के मालिक से। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्बर कमाई के अंदर। सर सबसे पहले आप अपना नाम और आपका जो बिजनेस है, आपका रेस्टोरेंट है, उसका नाम हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। मेरा बिजनेस होटल गौरव के नाम से है, और मेरा खुद का भी नाम गौरव कुमार बेरवा ही है। ये बिजनेस दौलता मोड़ पुलिया के नीचे जयपुर अंडर पास के अंदर ही खुली है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना नाम और आपका बिजनेस है उसका नाम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। सर सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप पहले क्या करते थे, इससे पहले इस ये जो आप बिजनेस अभी आपने खोल रखा है, इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले सर मैं प्लम्बरी का जो काम होता है वो करता था, जो ठेकेदारी, ठेके लेने वगैरह इन चक्कर में। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं सर BA पास हूँ, BA कम्प्लीट हो चुकी है सर। अच्छा, तो ये आइडिया कहाँ से मिला सर? सर ये आइडिया जब होटल रेस्टोरेंट में जाते थे, जो मेरे शुरू से इच्छा था, मैं इस चक्कर में भाई होटल डालनी है, अपन को होटल लाइन में जाना है, तो इस चक्कर में बैठे बैठे लॉकडाउन भी था, तो मैंने देखा नया स्टार्टअप से करते अपना धंधा जो चलेगा। अच्छा सर, आपने जैसे बिहाइंड द कैमरा मेरे को बोला कि मेरे मित्र वगैरह भी बैठने चाहिए, इनका क्या रोल है सर? इनका रोल है सर, ये बिजनेस के अंदर है, साथ देते हैं अपना, प्रोडक्ट और फ्रेंड सर्किल में है सर, वर्कर के काम भी कर लेते हैं सर। एक्चुअली मेन मालिक सर हैं और बाकी इनका साथ देते हैं। तो सर आप मुझे बताएं कितने इन्वेस्टमेंट लगा के आपने ये स्टार्ट करा था, वो बताएं आप? सर ये मैंने 1 लाख रुपए लगा के स्टार्ट किया है, अभी तक लमसम 1 के आसपास पहुंच चुका है, आइडिया ये रहता है। कितनी अभी क्या सेल चल रही है, सेल वगैरह? सेल हो जाती है सर, खर्चा बाहर निकल जाता है, उन्हें लगभग हो जाता है 5,000-6,000 रुपये आसपास। अच्छा, आप अपने रेस्टोरेंट में क्या क्या बनाते हैं सर? मेरे रेस्टोरेंट में सर नॉन वेज के अलावा सब बनता है सर, नॉन वेज वगैरह, चिकन हो गया सर, नॉन वेज के ऊपर काम करते हैं, जो भी होता है ना नॉन वेज में जो भी वैरायटी आती है उसके ऊपर। सर आज आपको पूरा इंडिया देख रहा है और आने वाले टाइम पे भी धीरे धीरे देखेगा, आप युवा हो, आप सब युवा हैं और मैं भी एक युवा ही हूँ, आपने जो इनिशिएट लिया है खुद का बिजनेस करने का, तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को नौकरी करनी चाहिए? नहीं सर, नौकरी में एक तो फिक्स तनख्वाह आती है, और अपने खुद का बिजनेसमैन में ये पता नहीं चलता भाई कितना पैसा आता है, कोई लगम नहीं है, कभी 1 भी आ रहा है, कभी 10 भी आ रहे हैं, कभी 15 है, ये खुद की इनकम होती है। एक नौकरी के अंदर फिक्स पे तो भाई पैसे होते हैं भाई 30,000 आने, तो 30,000 में तो अपने घर खर्च ही हो जाता है, और बिजनेसमैन का कोई पता नहीं होता कितने पैसे आ रहे कितने आ रहे। हाईवे के ऊपर सर ने रेस्टोरेंट लगा रखा है, मैं आशा करता हूँ कि अच्छा चलता होगा रेस्टोरेंट। सर कोई भी भाई आपको देख के, आज आपको देख रहा है और आपको देख के कोई भी स्टार्टअप करना चाहें, तो किन किन बातों का ध्यान रखें?
वो एक तो लोकेशन देखे अपनी और अपना फ्रेंड सर्किल देखे और आसपास की जनता उसे भी एग्री करती हो और उसके हाथ में स्वाद होना चाहिए सर। नहीं स्वाद नहीं होगा तो वो जनता क्यों आएगी, फ्रेंड सर्किल भी क्यों आएंगे, एक बार आ जाएंगे दो बार आ जाएंगे। और मार्केट देखना भी इस जगह अपन डालें नहीं डालें, इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। और बिजनेस बहुत बढ़िया लाइन है, अगर बिजनेस करना चाहो तो बहुत पैसे नहीं करने वाले कुछ भी नहीं। अच्छा मैं पूछूं कि रेस्टोरेंट खाने वाला बंदा तो आएगा ही, हर चीज़ बंद हो सकती है लेकिन खाने का बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता। लेकिन अभी उल्टा हुआ है, लॉकडाउन के अंदर होटल इंडस्ट्री और अपने टूरिज्म इंडस्ट्री जो होती है वो ठप हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या रीज़न था? ये रीज़न ये था सर, ये कोरोना की वजह से लोग बाहर का ज़्यादा पसंद नहीं करते, अपने घर का ही खाते हैं। इस चक्कर में बाहर कौन सी चीज़ आ रही है, धुली हुई आ रही है या कोई क्या पता कोई वायरस ही नहीं आ जाए, इस चक्कर में थोड़ा बहुत बंद हो गया था। पर ये धीरे धीरे जैसे कोरोना जाने लगा हिसाब से है ना आप इस डेवलपमेंट होने लगी होटल वगैरह। अगर इसके अंदर अगर आप डालते हो सुबह स्टार्टिंग से मतलब जीरो से स्टार्ट करना चाहिए तो बहुत बढ़िया बैठ सकता है। क्या क्या दुविधाएँ आई थी जब स्टार्ट करा था आपने वो बताएं एक बार। दुविधा तो ये आई थी सर, क्या यहाँ पे बारिश का है, भाई कैसे वर्कर आएंगे, कौन से ग्राहक आएंगे, मेरे खाना पसंद करेंगे नहीं करेंगे। पर मालिक की दुआ है सर, चलने के बाद तो बढ़िया ही चल रहा है सर, अभी तो कर रहे हैं थोड़ा हार्ड वर्क। कोई भी भाई लोग मेरे को देख रहा हो, हमें देख रहा हो एक्चुअली, जयपुर से कोटा की तरफ अगर वो जा रहा है तो एक देवली के अंदर बाईपास है, होटल गौरव के नाम से है, वहाँ पे आप रुक के ज़रूर आप स्वाद चखिएगा। और कोटा की तरफ से जयपुर की तरफ जा रहा है तब भी मैं सेम चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़ा सा रुक के आप स्वाद ज़रूर चखिएगा, मेन हाईवे के ऊपर ही है। तो सर आप हमें बताएं कि कितनी इनकम हो जाती है अभी इसके अंदर? सर महीने के सर निकल जाते कम से कम 5-7,500 हो जाते हैं सर। ये फिर काट कुट आएगी, वर्करों की तनख्वाह दे देते हैं अपने बजाते 30-35 हज़ार। कितने वर्कर काम करते हैं? दो वर्कर काम करते हैं, वो 4 बजे के आसपास आते हैं। नौकरी या बिजनेस मैं आपसे पूछना चाहूँ क्या बेस्ट है? बिजनेस बेस्ट है सर। कैसे? बिजनेस में सर अपना होता है सब इन्वेस्टमेंट, कोई मस्तमजी नहीं होती सर, कमाए तो 1 लाख है, नहीं कमाए तो 10 हज़ार भी, ये होता है सर। कभी दुखी हुए कि कोई कस्टमर नहीं आ रहा, आज कोई कस्टमर नहीं आया, कभी दुखी हुए कि आज मेरा माल नहीं बिका? कभी कभी होना पड़ता है सर, अगर जैसे अभी साउंड चल रहा है ऐसे साउंड में थोड़ा धंधा ठप चलता है, पर हो जाता है सर कवर जितने करना होता है अपनों को। ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल, जो बिल्कुल ही ठप है, कोई आता है जाता है नहीं, खाने वाला तो खाता है सर। अच्छा सर आप हमें ये बताएं, हम जो काम कर रहे हैं हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए, उसके लिए आप अगर 2 शब्द बोलना चाहें वो 2 शब्द क्या होंगे? ये सोशल मीडिया का माध्यम से ये बड़े भाई साहब हमारे जो वीडियो बनाते हैं इनका बहुत बढ़िया रहता है, एक बिजनेसमैन के लिए भी रहता है और इनके लिए भी रहता है। बिजनेसमैन के लिए ये रहता है कि जो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है ये हज़ार लोगों तक लाखों लोगों तक पहुँचाते हैं एक सोशल मीडिया के नाम, ये इनके लिए बहुत सराहनीय काम होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य फीडबैक हमारे लिए दिया, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा यहाँ पे, और आपको पूरी टीम को आपको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा और आशा करना चाहूँगा कि आप अभी जहाँ पे हैं उससे 10 कदम आगे बढ़ें, इन फ्यूचर आपका प्रॉफिट और 10 गुना होए। और आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा, आप मुझे कहीं पर भी देख रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, इन जैसे युवाओं से आप प्रेरणा लें और कुछ खुद का कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। कहीं पे भी आप मुझे देख रहे हैं इंडिया के अंदर, दूर दराज के गांव के अंदर, सिटी के अंदर, कस्बे के अंदर, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगाएं और इन्वेस्टमेंट लगा के आप खुद का स्टार्ट करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही किसी महान शख्सियत के साथ जो शेयर करेंगी उनके बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, सैल्यूट करता हूँ सर मैं बम्पर कमाई की तरफ से आप सब लोगों को, और आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू।